नमस्कार। तो आज आप हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि IRFC स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। की बात की जाए तो स्टॉक में मोमेंटम काफ़ी वीक नज़र आई या फिर फ्राइडे के दिन तकरीबन रेलवे सेक्टर में काफ़ी वीक मोमेंटम चालू है। पिछले 3-4 महीनों से कंटिन्यूस काफ़ी गिरावटें देखने को मिले रेलवे सेक्टर में, पर जितने लो लेवल पे जाता है उतने लो लेवल पे इन्वेस्ट करने का एक अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट भी थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे आप देख सकते कि सेलिंग प्रेशर जो है ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक में वॉल्यूम्स भी देखे जाए तो काफ़ी वीक वॉल्यूम्स आ रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस के अंदर। तो वही वॉल्यूम्स पॉजिटिव आ जाए, अच्छे क्वांटिटी के साथ आ जाए, तो स्टॉक काफ़ी बढ़िया पुलबैक जनरेट कर सकता है, क्योंकि जब वॉल्यूम आएंगे तो स्टॉक में अंदर डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो स्टॉक काफ़ी अच्छा रिकवरी जनरेट कर सकता है। बाकी कोई इम्पैक्टफुल न्यूज़ अपडेट नहीं है रिगार्डिंग इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक। यही थे लेटेस्ट अपडेट IRFC लिमिटेड के लिए।